हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वापस से एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइस यार, आज के वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। ठीक है, यहां तक कि यार जो बंदे भाई कुछ दिनों के लिए डीएक्टिवेट भी करना चाहते हैं अकाउंट को, वो भी बता दूंगा। एंड परमानेंटली जो हमेशा के लिए भाई आपका जो अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा। आज के वाले वीडियो का एंड तक देख लेना, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप भाई इजी तरीके से आपके अकाउंट को डिलीट कर सकते हो हमेशा के लिए। भाई देखो, पहले इंस्टाग्राम में सीधा सीधा था, एंड अब अपडेट के बाद ना थोड़ा सा भाई घुमा फिरा के कर दिया है कि आप आपके अकाउंट को कैसे डिलीट कर सकते हो। सेटिंग चेंज कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ भाई आपको ना पूरा एंड तक देखना है वीडियो, ताकि मैं जो स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रहा हूँ उनको आप फॉलो करके इजी तरीके से आपके जो इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। भाई देखो, या तो एक काम करो, आप किसी आपके पास दो फोन है घर में तो ये वीडियो उसमें लगा लो, एंड जिस अकाउंट जो भी आपके जो फोन में आपका इंस्टाग्राम है उसमें भाई आप ये करते जाओ देख देख के। ठीक है, तभी यार आप कर पाओगे। तो चलो यार, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से आपको बताता हूँ कैसे आपको डिलीट करना है आपका अकाउंट। तो उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक का बटन दबा देना, भाई देखो चैनल नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो यार, मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं, आपको बताता हूँ। तो गाइस यार, आप देख पा रहे होंगे मैं आ चुका हूँ अपने इंस्टाग्राम पर, एंड यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मैंने भाई आपके लिए एक बताने के लिए भाई ये अकाउंट बनाया, डेमो अकाउंट कह लो आप। तो इसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको परमानेंटली डिलीट करना है। तो गाइस यार, आपको सिंपल तरीके से ऊपर आपको 3 डॉट देखने को मिलेंगे या 3 लाइन कह लो, आपको सिंपल तरीके से उस पर क्लिक कर देना है। ये देख सकते हो मैंने एरो भी कराया, तो भाई उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलो यार मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी। सिंपल तरीके से आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पर आपको क्लिक कर देना। अब यहाँ से वीडियो भाई ध्यान से देखना, तभी यार स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करके आपका अकाउंट डिलीट कर पाओगे परमानेंटली, वरना भाई आप यहाँ से मिस मत करना। अब आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा अकाउंट सेंटर। ठीक है, सिंपल तरीके से आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पर आपको एड मोर अकाउंट भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका कोई अदर अकाउंट भी है तो आपको यहाँ पर एड मोर अकाउंट पर क्लिक करके दिख जाएगा। बट अपने को इसको परमानेंटली डिलीट करना है तो आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है पर्सनल डिटेल्स का, इस पर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आपको आपका जो भी आपका अकाउंट नंबर ऐड है वो सारा दिख जाएगा, मैंने ब्लर कर रखा है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको देखो थर्ड वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, जो लिखा है मैनेज योर डाटा मॉडिफाई योर कॉन्टेक्ट। ठीक है, आपको सिंपल तरीके से इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, सिंपल तरीके से आपको इस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर ये है भाई मुझे ऐसा मैंने अकाउंट का नेम रखा है मुझे डिलीट कर दो, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने दो आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन एक में लिखा है डीएक्टिवेट अकाउंट, एंड दूसरे में लिखा है डिलीट अकाउंट, डिलीट योर अकाउंट परमानेंट। तो देखो यार, जिन बंदों को अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना है, ठीक है, डीएक्टिवेट में ऐसा भाई आपके इंस्टाग्राम से ये हाइड हो जाएगा। अगर अब आप कभी इन फ्यूचर इसको लॉगिन करना चाहते हो तो ये लॉगिन हो जाएगा, एंड आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको सिंपल तरीके नीचे वाले पर क्लिक करना है। हमको तो भाई परमानेंटली डिलीट करना है, तो सिंपल तरीके से हम इस पर नीचे वाले पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देख लो मैं टिक लगा चुका हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपसे इसका रीजन पूछेगा कि भाई आप किस क्यों करना चाहते हो, तो मैं लिख देता हूँ भाई यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ देखो मेरे हिसाब से तो मैं कर लेता हूँ भाई प्राइवेसी। ठीक है, मेरी प्राइवेसी के कारण मैं इसको जो अकाउंट को डिलीट करना चाहता हूँ। आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि आप लिख सकते हो, यहाँ कर सकते हो कि मैंने दूसरा अकाउंट है मेरे पास, यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपल तरीके से मैं इस पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, एक सेलेक्ट करने के बाद आपको भी कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपसे यहाँ कुछ पूछेगा, ठीक है, यहाँ आई वॉन्ट टू अनफॉलो यूजर, जो जिससे आपको प्राइवेसी में वो हो रहा है भाई आप उसको अनफॉलो कर सकते हैं। बट अपने को भाई सीधे से डिलीट करना है तो कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका पासवर्ड मांगेगा। अब देखो यार, आपको आपका पासवर्ड याद रहना है। अगर याद नहीं है तो आप YouTube पर वीडियो देखकर आप ये कर सकते हो कि भाई अपना पासवर्ड रीसेट। ठीक है, तो चलो मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ फटाफट। तो चलो यार, मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल चुका हूँ, एंड आपको भी आपका पासवर्ड डाल देना। अगर याद नहीं है तो भाई उसको फॉरगेट करके आप इजी तरीके न्यू पासवर्ड बना लेना, तभी आपका अकाउंट डिलीट होगा। तो आपको सिंपल तरीके से आपका पासवर्ड डालने के बाद यहाँ कंटिन्यू बटन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आज कितनी तारीख है भाई, आज है 2 जुलाई। ठीक है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा जो अकाउंट है भाई 1 अगस्त 2023 को ये डिलीट कर दिया जाएगा। देखो 30 दिन का टाइम लगता है परमानेंटली डिलीट होने के लिए, तो 30 दिन आपको वेट करना है। ठीक है, आपको 30 दिन तक इसको लॉगिन नहीं करना है,
30 दिन बाद ये अपने आप आपका जो अकाउंट है हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा इंस्टाग्राम से, ना ही आप इसको लॉग इन कर पाओगे, ना कोई बंदा देख पाएगा, ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो आपको डिलीट अकाउंट पर इस पर क्लिक कर देना है। तो आपको 30 दिन का वेट करना है, 30 दिन में ये आपका जो अकाउंट है वही परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा आपके इंस्टाग्राम से। ये देखो, यहाँ देख सकते हो लॉग आउट हो चुका है, मेरा जो सेकंड अकाउंट है वो यहाँ पर स्विच हो चुका है, अब मैं उसको लॉग इन भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से भाई आप इजी तरीके से आपके इंस्टाग्राम को इजी तरीके से जो आपका अकाउंट है भाई उसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हो कुछ स्टेप को फॉलो करके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरी ट्रिक से आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है डिलीट हो जाता है तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, एंड बाय द वे आप चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलो यार, मिलता है उसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल, बाय बाय।